कि इस जगत में जो भी कुछ तुमको दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं भी देता है वो सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे से अलावा इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। और दोस्तों, इस जगत के कण कण में मैं ही विराजमान हूँ। ये कण अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी हाँ दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए इसी सिद्धांत को आज वैज्ञानिक क्वांटम थ्योरी का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में 5000 साल पहले ही बता दिया था। उन्होंने सीधे सीधे दुनिया में ये ऐलान कर दिया था कि भौतिक शरीर में मौजूद चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो असल में एक है और सभी जीवों में मौजूद चेतना यानी आत्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे दोस्तों, किसी बड़ी कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर्स एक सुपर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सभी चेतन रूपी जीवन उनसे ही जुड़े हुए हैं और जब ये दुनिया बनती है तो वो मुझमें से निकलकर ही इस भौतिक जगत में आ जाती है और जब इस दुनिया का मैं विनाश करता हूँ तो सारे के सारे जीव और चेतन आत्मा मेरे अंदर ही समा जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे समय में क्वांटम थ्योरी देने वाले इस सिद्धांत को आधुनिक तरह से रचने वाले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है इरविन श्रोडिंगर। और दोस्तों, इन्होंने इस सिद्धांत को पूरा करने से पहले ही 1925 में पूरी दुनिया के आगे ये ऐलान कर दिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स की खोज असल में और कुछ नहीं बल्कि हिंदू धर्म की भगवत गीता में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को ही आधुनिक तरीके से बताना है। और दोस्तों, उस वक्त इस महान वैज्ञानिक की बात को सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। और दोस्तों, हिंदू धर्म से नफरत करने वाले और हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोगों के उस वक्त पसीने छूट गए थे। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान विकसित हो रहा है, वैसे वैसे आधुनिक विज्ञान को यह समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म में जो ज्ञान 5000 साल पहले बताया गया था वो असल में बहुत ही ज्यादा उन्नत था, जिसे आज के वैज्ञानिक चाह कर भी नहीं समझ सकते हैं। और हिंदू धर्म में मौजूद इस महान ज्ञान को समझने के लिए हमारी मानव जाति को अभी भी कई हजार साल लग जाएंगे।